हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल। और आज मैं आपके सामने कंपटीशन करने वाला हूं दोनों भाई का बीच में। एक है आपका बड़ा भाई और दूसरा है छोटा भाई, मतलब एक है आपका रेडमी नोट 8 प्रो जो है बड़ा भाई, और दूसरा है फ्रेंड्स रेडमी नोट 8 मतलब छोटा भाई। तो फ्रेंड्स, ये दोनों में कंपटीशन आज करने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं दोनों फ़ोन को 15 डेज से ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूं, और इसमें क्या क्या आपका डिफरेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अच्छाई है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे वीडियो को अगर मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज मेरा वीडियो का नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहे हैं वहां पे जरूर क्लिक कीजिए, और उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहां पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 8 प्रो बहुत सारे वेरिएंट पे मिलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहां पे एकदम लास्ट जो हाईएस्ट जो वेरिएंट है वही मैं यहां पे कंपैरिजन करने वाला हूं दोनों का। रेडमी नोट 8 का मैं 6GB 128GB करने वाला हूं, और रेडमी नोट 8 प्रो का मैं 8GB 120GB करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, दोनों मोबाइल को ऑनलाइन पे परचेस करना चाहते हैं तो Redmi Note 8 आ जाते हैं 13,000 पे, और आपका Redmi Note 8 Pro आ जाते हैं आपका 18,000 पे। तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस क्यों है और दोनों में फीचर क्या क्या है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले बात करता हूँ यहाँ पे इसके लुक्स के बारे में। तो यहाँ पे Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro का दोनों का लुक्स सेम आपको देखने में आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मूनलाइट व्हाइट जो वेरिएंट है वही मैं यहाँ पे दोनों का दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का जो बैक पैनल है वहाँ पे सेम लुक आने मतलब यहाँ पे देखने में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो कैमरा का जो पोजीशन है वो पोजीशनिंग कुछ आपको चेंज आपको यहाँ पे नजर में आएगा। Redmi Note 8 Pro पे आपको मिडिल पे आएगा और Redmi Note 8 पे आपको साइड पे आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक जो चीज़ है वो है फ्रेंड्स, Redmi Note 8 Pro पे आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फ्रेंड्स आपका जो कैमरा का जो सेक्शन है वहीं पर यहाँ पे सेट किया है। और आपका Redmi Note 8 पे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका मिडिल पे है और आपका कैमरा आपका साइड पे है। और फ्रेंड्स, दोनों मोबाइल का जो मूनलाइट व्हाइट का जो एक पिंक कलर का जो ग्लॉसीनेस है, जो एक रिफ्लेक्शन है, वो Redmi Note 8 Pro पे आपको ज्यादा नजर में आएगा। और फ्रेंड्स, दोनों मोबाइल पे बोथ साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, Redmi Note 8 का जो लोअर वर्जन है मतलब 64GB है वहां पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 आपको बोथ साइड आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करता हूँ इसका स्क्रीन के बारे में, स्क्रीन साइज के बारे में। तो Redmi Note 8 पे आपका 6.3 इंच आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाते हैं, और Redmi Note 8 Pro पे आपको 6.53 इंच आपको स्क्रीन आपको मिल जाते हैं। मतलब Redmi Note 8 Pro का जो स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा साइज है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 8 का जो नीचे सेक्शन है वहाँ पे Redmi का आपको लोगो आपको यहाँ पे नजर में आ जाएगा, और Redmi Note 8 Pro पे आपको लोगो नहीं नजर आएगा, और इसीलिए फ्रेंड्स ये स्क्रीन आपका बड़ा है। और फ्रेंड्स, दोनों मोबाइल का अगर रेजोल्यूशन की बात करता हूं तो यहां पे Redmi Note 8 Pro पे आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। Redmi Note 8 Pro पे आपको 2340x1080p आपको मिल जाते हैं, और आपका Redmi Note 8 पे आपको 2280x1080p आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, और एक जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे Redmi Note 8 Pro पे आपको साइड पे थोड़ा आपको कार्ड आपको नज़र में आ जाएगा, लेकिन आपका Redmi Note 8 पे कोई भी कार्ड आपको नज़र में नहीं आएगा, और एक ग्रिप करने के लिए भी Redmi Note 8 Pro ज़्यादा बेटर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों मोबाइल का अगर कैमरा की बात करता हूँ तो यहाँ पे दोनों मोबाइल पे ही आपको चार कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके साथ आपको LED फ्लैश लाइट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे Redmi Note 8 पे आपको 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा आपको जो कैमरा रियर कैमरा होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, और आपका Redmi Note 8 Pro पे आपको 64 मेगापिक्सल का आपको AI क्वाड कैमरा आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर फ्रंट कैमरा की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका Redmi Note 8 पे आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाते हैं, और आपका Redmi Note 8 Pro पे आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी बात करता हूँ यहाँ पे स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, Redmi Note 8 पे आपका 6GB रैम मिलते हैं और 128GB आपका स्टोरेज आपको मिल जाते हैं, और आपका Redmi Note 8 Pro पे आपको 8GB रैम आपको मिलते हैं, 128GB आपका स्टोरेज आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये दोनों टाइप का जो मोबाइल है और इस वेरिएंट पे फ्रेंड्स, दोनों टाइप का मोबाइल पे ही आपको UFS स्टोरेज आपको मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी बात करता हूँ यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे Redmi Note 8 पे आपको Qualcomm Snapdragon 665 आपको प्रोसेसर आपको मिल जाते हैं, और Redmi Note 8 Pro पे आपको MediaTek Helio G90T आपको प्रोसेसर आपको मिल जाते हैं। मतलब बहुत ही फास्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी है G90T मतलब बहुत ही फास्ट है और गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपका Redmi Note 8 Pro बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और फ्रेंड्स, इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो दोनों मोबाइल पे ही सेम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं Android 9, और उसके साथ साथ दोनों मोबाइल पे ही आपको टाइप सी केबल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं विद आपका 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको यहाँ पे बॉक्स पे आपको मिल जाते हैं।
और फ्रेंड्स अभी बात करता हूँ इसका बैटरी के बारे में। तो Redmi Note 8 पे आपको 4000 mAh का आपको बैटरी मिलते हैं और Redmi Note 8 Pro पे आपको 4500 mAh का आपको बैटरी आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro का जो प्राइस का डिफरेंस है वो 5000 का डिफरेंस है, मतलब इस वेरिएंट पे दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है और कुछ 5000 का डिफरेंस आपको आ जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपका बजट कम है तो Redmi Note 8 आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप हाई रेंज का गेम आप खेलना चाहते हैं, मतलब हर दिन आप पूरा दिन एकदम गेम खेलना चाहते हैं हाई परफॉर्मेंस का, तो आपको Redmi Note 8 Pro आपको लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं और अगर आपका बजट थोड़ा बहुत कम है तो आप Redmi Note 8 आप परचेस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स Redmi Note 8 का 6GB 128GB का जो वेरिएंट है बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है और आप इस वेरिएंट पे आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का कंपटीशन वीडियो। तो ये वीडियो एक्चुअली किया क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आया था, तो इसके लिए मैं वीडियो किया। तो आशा करता हूँ आपका अगर कोई भी डाउट्स है, डाउट्स वगैरह थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है अभी, और अभी भी अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मेरा वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिखना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर हूँगा एक नया चीज लेके। तब तक के लिए गुड बाय।